गर्लफ्रेंड तुम्हारा, रिलेशन तुम्हारा, उसूल भी तुम्हारे ही होंगे। मैं ये बोलने वाला कौन होता हूँ कि तुम्हें किस करना चाहिए या नहीं, गर्लफ्रेंड को किस करना सही होगा या नहीं, यह तुम दोनों का आपस का मामला है। लेकिन आप जिसे किस करना चाहते हैं वो किस करने के लिए तैयार है या नहीं, यह जाने बिना ही किस करने से आपका इतने मेहनत से बनाया गया रिलेशन एक पल में टूट सकता है। तो आपको इसी ब्रेकअप से बचाने के लिए आज का ये वीडियो है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसे यूज करके तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम जिसे किस करना चाहते हो वो किस करने के लिए तैयार है या नहीं। और एक बात, वीडियो पूरा देखना क्योंकि वीडियो के एंड में इस तरीके के अलावा भी लड़कियों की साइकोलॉजी के बारे में एक सीक्रेट बताऊंगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना किस करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आप जिसे किस करना चाहते हैं वो ऑब्वियसली तुम्हारी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए या तुम दोनों के बीच रिलेशन फ्रेंडली होना चाहिए। ये नए तरीके से बोलने की जरूरत नहीं है, यह तो सभी जानते हैं कि जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है या जिसके साथ तुम फ्रेंडली नहीं हो उस लड़की को किस करने के बारे में सोचना और लड़की के सैंडल का छाप चेहरे पर बनाना एक बराबर बात है। सो मैं इस बात को माइंड में रखकर बोल रहा हूँ कि तुम जिसे किस करना चाहते हो ऑब्वियसली तुम दोनों में बहुत अच्छा रिलेशन है और तुम दोनों फ्री माइंडली बात करते हो। तो तुम्हें करना क्या है, लड़की से कहना मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगा और इसके 5 ऑप्शन दूंगा, उसमें से तुम्हें सही ऑप्शन चुनना है, ओके। तो ये बात पूरी तरह से क्लियर करने के बाद लड़की से पूछना, हिंदी मूवीज में या सॉन्ग्स में जो किसिंग सीन्स होते हैं वो तुम्हें कैसे लगते हैं। पहला ऑप्शन है रोमांटिक लगता है, दूसरा ऑप्शन अच्छा लगता है, तीसरा ऑप्शन गंदा लगता है, चौथा ऑप्शन एकदम फालतू लगता है एंड फिफ्थ ऑप्शन पता नहीं कैसा लगता है। तो यह गौर करना लड़की कौन सा ऑप्शन चूज करती है। अगर लड़की ऑप्शन 1 या 2 चुनती है यानी रोमांटिक लगता है या अच्छा लगता है तो तुम 100% समझ सकते हो कि लड़की किस करना चाहती है। और अगर लड़की ने ऑप्शन 3 या 4 चूज करे यानी गंदा लगता है या फालतू लगता है तो ऐसी लड़की को गलती से भी किस करने के बारे में मत सोचना। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर 5 यानी पता नहीं कैसा लगता है। इस ऑप्शन के बारे में तुम्हें डिटेल में समझाना होगा। तुमने शायद पहले भी सुना होगा लड़कियां सर पटक लेगी पर मुंह नहीं खोलेगी, मतलब कुछ लड़कियां होती है जो तुम्हें इशारों में समझाना चाहती है कि वो क्या चाहती है लेकिन तुम्हें कभी डायरेक्टली नहीं बताएगी, और उन्हीं के लिए है ये 5th नंबर वाला ऑप्शन। जो लड़की दिल में चाहती है कि ऑप्शन नंबर 1 या 2 चूज करे पर वो डायरेक्टली न बताकर या तुमसे शर्मा कर ऑप्शन नंबर 5 चूज करेगी, वो तुम्हें इशारों में समझाना चाहती है कि वो क्या चाहती है। तो जो लड़की किस करना चाहती है लेकिन तुम्हें इशारों में समझाना चाहती है वो 100% 5th नंबर ऑप्शन चूज करेगी। अगर तुम्हें लग रहा है जो लड़की किस करना नहीं चाहती वो भी तो ऑप्शन नंबर 5 चूज कर सकती है, बिल्कुल नहीं। जो लड़की किस करना नहीं चाहती वो तुम्हें क्लियरली बोलेगी उसे किस करना पसंद नहीं है या ये सब फालतू है, वो कभी नहीं बोलेगी पता नहीं कैसा लगता है। लड़की किस करना चाहती है या नहीं ये जानने के लिए आज का वीडियो ही काफ़ी है। फिर भी अगर आप और कंफर्म होना चाहते हैं तो और आपको अगर लगता है कि और भी तरीकों की ज़रूरत है तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ। तो इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।